kids? You all are fine? Okay, good. Now, today we will do next exercise of chapter 2. Today we will do next exercise of chapter 2. So, open the page number 15. Open the page number 15. Look here, page number 15. B. Exercise number B. Write the names of the following animals. So take out your pencil, eraser, and notebook. Take out your pencil, eraser, and notebook. So we will do next exercise of chapter 2. First, you have to write heading B. Write the names of the following animals. Write the names of the following start writing. Write W-R-I-T-E. Write. Write. Then take one finger distance. Take one finger distance. Write the names of the following animals. Write the names of the following animals. आपको यहाँ animals के नाम लिखना है. Write number one. An animal with a long trunk. नाम बताना है. एन एनिमल विथ अ लॉन्ग ट्रंक.
किसकी लंबी सूंड होती है? एवरीवन नोस व्हाट इज द आंसर? एलिफेंट. आंसर व्हिच एनिमल हु हैज लॉन्ग ट्रंक? एलिफेंट. एलिफेंट की होती है ना लंबी सूंड. आंसर में लिखना है एलिफेंट. E-L-E-P-H-A-N-T elephant. E-L-E-P-H-A-N-T elephant. E-L-E-P-H-A-N-T elephant. An animal with a long trunk. An animal with a long trunk. किसकी लंबी सूंड होती है? Elephant. E-L-E-P-H-A-N-T elephant. E-L-E-P-H-A-N-T elephant. Elephant की लंबी सूंड होती है ना. Now next. An animal. Number three.
ओके नंबर थ्री, एन एनिमल विथ ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स, एंड एनिमल, एन एनिमल विथ with black and I have no space, that is why I am writing in the down line. If you have space you can write continuously. आपके पास अगर space है तो आपको continue लिखना है, और नहीं है तो आपको next line में लिखना है. Animal with black and white white, white, an animal with black and white strips. STRIPES. Strips. STRIPES. Strips. An animal with black and white strip. ऐसे एनिमल का नाम बताना है जिसके ऊपर क्या होता है, ब्लैक और व्हाइट कलर की धारियां होती है, लाइंस होती है, ब्लैक और व्हाइट कलर की. ऐसे एनिमल का नाम बताना है आपको जिसके ऊपर ब्लैक और व्हाइट कलर की लाइंस बनी होती है, या धारियां बोल सकते हैं. कौन सा होता है ऐसा एनिमल? ऐसे एनिमल का नाम बताना है जिसके ऊपर ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स बनी होती है. एन एनिमल विद ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स. एन एनिमल विद ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स. ऐसे एनिमल का नाम बताना है जिसके ऊपर ब्लैक और व्हाइट कलर की लाइंस बनी होती है. कौन सा एनिमल होता है वो? ज़ेब्रा. आंसर इज ज़ेब्रा. जेड ई जेड ई B R A zebra. Z E B Z E B R A zebra. Z E B R A zebra. An animal with black and white stripes. Answer is ज़ेब्रा. ज़ेब्रा के ऊपर ब्लैक और व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स होती है ना, देखा है ना सबने? तो ज़ेब्रा इज योर आंसर. एन एनिमल विद ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स, सो आंसर इज ज़ेब्रा. नाउ नंबर फोर, अ बर्ड विद कलरफुल फेदर. A bird with colorful feathers. A bird. A bird with. A bird with
A bird with colorful feathers. A bird with colorful feathers. F E A T H E R S feathers. A bird with colorful feathers. ऐसे बर्ड का नाम बता रहा है जो जिसके पंख कलरफुल हो. कौन सा बर्ड होता है जिसके कलरफुल फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं कलरफुल? ऐसा कौन सा बर्ड है जिनके कलरफुल फेदर होते हैं, पंख होते हैं कलरफुल? पीकॉक. पी ई ए सी ओ सी के पीकॉक. पी ई ए सी ओ सी के पीकॉक. अ बर्ड विथ कलरफुल फेदर्स. सो आंसर इज पीकॉक. P-E-P-E-A-C-O-C-K Peacock. P-E-A-C-O-C-K Peacock. P-E-A-C-O-C-K Peacock. A bird with colorful feathers. Answer is peacock. ऐसे बर्ड का नाम बताना है जिसके पंख रंग बिरंगे हो, मतलब कलरफुल हो. जिनके फेदर्स कलरफुल हो, पंख रंग बिरंगे हो. कलरफुल मीन्स रंग बिरंगा और फेदर्स मीन्स पंख. ऐसे बर्ड का नाम बताना है. अ बर्ड विथ कलरफुल फेदर. कौन सा बर्ड होता है? पीकॉक. मोर. मोर के जो पंख होते हैं वो कलरफुल होते हैं. देखा है सबने? तो आंसर हो जाएगा आपका पीकॉक. Last one. Number 5. A bird that cannot fly. A bird that cannot fly. A bird that a bird that cannot fly. A bird that cannot fly. ऐसे बर्ड का नाम बताना है कि जो उड़ नहीं सकता है, जो फ्लाई नहीं कर सकता है. कौन सा होता है ऐसा बर्ड जो फ्लाई नहीं कर सकता है, उड़ नहीं सकता है? Look here. There are some birds which cannot fly. There are some birds which cannot fly. कुछ वैसे बर्ड्स भी होते हैं जो कि फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते. कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रिच, ईमू एंड पेंगुइन्स. तो हम लिखेंगे ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच. ओ एस ओ एस टी T R I C H ostrich. O S T R I C H ostrich. A bird that cannot fly. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच बर्ड जो होता है वो फ्लाई नहीं कर सकता है, वो उड़ नहीं सकता है. तो आपको ऐसे ही बर्ड का नाम बताना है जो उड़ नहीं सकता है. बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई. कौन सा क्या लिखेंगे? ऑस्ट्रिच. लुक हियर. एन एनिमल विद ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स.
ऐसे एनिमल का नाम बताना है जिसके ऊपर क्या ब्लैक और व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स बनी हो, लाइंस बनी हो, तो कौन सा एनिमल होता है जिसके ऊपर ब्लैक और व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स होती है? दैट इज जेब्रा, ZEBRA, जेब्रा। अ बर्ड विद कलरफुल फेदर, अ बर्ड विद कलरफुल फेदर, कौन सा बर्ड होता है जिनका जिनके फेदर्स कलरफुल होते हैं? पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक। नाउ अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, ऐसे बर्ड का नाम बताना है जो कि क्या है, उड़ नहीं सकता है, तो कौन सा बर्ड है वो? ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज मैचिंग, following pictures with the words. See, match the following make the following pictures match the following pictures with the words आपको क्या करना है, यहाँ आपको पिक्चर्स दे रखी है और यहाँ इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनको आपको मैच करना है। फर्स्ट पिक्चर water animals second bait insect and cyclist bird water animals pet insects flightless bird water animals means pani mein rehne wale animals pet means paltu insect means insect water animals pet insects and flightless bird अब यहाँ आपको पिक्चर्स दे रखी है और ये वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इनसे मैच करना है
कि कौन सा एनिमल वाटर एनिमल है, कौन सा इंसेक्ट है, कौन सा पेट एनिमल है और कौन फ्लाइटलेस बर्ड है। वाटर एनिमल्स पानी में जो रहने वाले हैं वो यहाँ आपको सर्च करना है कि कौन सा एनिमल, यहाँ कौन सा पिक्चर ऐसा बना हुआ जो कि पानी में रहता है। पैट एनिमल्स, ये इन चारों पिक्चर्स को आपको देखना है, इनमें से देखना है कि कौन सा एनिमल पैट एनिमल है। इंसेक्ट, यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा इंसेक्ट है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्ट, तो ये देखना है कि कौन सा जो बर्ड या एनिमल है वो इंसेक्ट है और फ्लाइटलेस बर्ड, ऐसा जो कि उड़ नहीं सकता, ऐसा बर्ड देखना है जो कि उड़ नहीं सकता इन चारों। अब वाटर एनिमल्स, कैट, कैट इज अ वाटर एनिमल्स, नो। ऑस्ट्रिच, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ऑस्ट्रिच, फ्लाइटलेस बर्ड मींस जो कि उड़ नहीं सकता है, तो कौन नहीं उड़ सकता है, ऑस्ट्रिच, इसलिए हम यहाँ पर क्या दिया है, ऑस्ट्रिच का पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ऑस्ट्रिच। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई नहीं उड़ सकती है क्या, उड़ सकती है, बटरफ्लाई वाटर एनिमल है, नहीं, तो कौन है वाटर एनिमल, फिश। तो आपको क्या करना है, इन वर्ड से जो करेक्ट पिक्चर है उनको मैच करना है। वाटर एनिमल कौन है, फिश, तो वाटर एनिमल को हम फिश के साथ मैच करेंगे। देन पेट, ऑस्ट्रिच पेट एनिमल है क्या, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई पेट एनिमल है, और कैट, या फिर कैट है पेट एनिमल, कौन है पेट एनिमल, पेट है कैट, सी ए टी कैट। अब नेक्स्ट देखेंगे इंसेक्ट, ऑस्ट्रिच इंसेक्ट है या बटरफ्लाई है इंसेक्ट, कौन है इंसेक्ट, बटरफ्लाई, तो हमको इंसेक्ट से बटरफ्लाई को मैच करना है। नाउ लास्ट वन, फ्लाइटलेस बर्ड जो कि उड़ नहीं सकता है, आप सभी को पता है कौन सा बर्ड उड़ नहीं सकता है, अभी हमने जस्ट आगे वाले जो एक्सरसाइज थी उसमें पढ़ा था कि कौन है जो नहीं उड़ सकता है ऐसा बर्ड, तो कौन सा है वो, ऑस्ट्रिच, तो फ्लाइटलेस बर्ड इज ऑस्ट्रिच, इसको फ्लाइटलेस बर्ड को हम ऑस्ट्रिच के साथ मैच करेंगे। वाटर एनिमल्स मीन्स फिश, फिश के साथ मैच करेंगे। पैट, पैट कौन है, कैट है। इंसेक्ट कौन है, बटरफ्लाई है, और फ्लाइटलेस बर्ड कौन है, ऑस्ट्रिच। ओके, सो दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ बी एंड सी, वी हैव कंप्लीटेड ए बी, बी एंड सी वी हैव कंप्लीटेड इन, नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज डी एंड ई, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज डी एंड ई, ए बी सी वी हैड डन, नाउ होमवर्क, ये जो एक्सरसाइज है सी वाली मेन द फॉलोइंग, ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है, ये जो एक्सरसाइज है इसको आप कॉपी में नहीं लिखना है, कॉपी में मत लिखना है इसको, जो नंबर सी वाली जो एक्सरसाइज है ये उसको आपको कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ बुक में ही सॉल्व करना है। मेक द फॉलोइंग पिक्चर्स विद द वर्ड्स, बुक में ही आपको मैचिंग करना है, कॉपी में नहीं लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना है इस एक्सरसाइज को। होमवर्क, लर्न करना है आपको टेक द
Correct answer. It's the correct answer. Or painting. B. Match. Match the following. जो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज है, टेक द करेक्ट आंसर एंड मेक द फॉलोइंग. पेज नंबर 8. पेज नंबर 8 पे दे रखी है दोनों एक्सरसाइज. ये आपको लर्न करना है, कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लर्न करना है. टेक द करेक्ट आंसर एंड मैच द फॉलोइंग. मैचिंग और टेक द करेक्ट आंसर आपको लर्न करना है, कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लर्न करना है. ये दोनों एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की है, लर्न करना है ये दोनों एक्सरसाइज को. ये पेज नंबर 8 पर है, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज है. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर.